नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे घर में शादी का माहौल था। मेरा नाम मानवी था। हम दो बहनें और एक भाई था। मेरी दीदी की शादी के रात मेरी दीदी घर से भाग गई थी। मेरे पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर हमसे बोले थे, अगर किसी ने भी उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सभी घरवाले ये सुनकर डर गए थे और कई सालों तक कोई भी उस कमरे के पास तक नहीं फटका था। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए मैंने देखा तो मेरे कमरे में अंदर झांक कर देखा, क्योंकि मैं पापा के पीछे चली गई थी। अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि हम इलाहाबाद में रहते थे। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजर रही थी, या यूं कहें मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ रहा था। हम दो बहनें और एक भाई थे। मेरी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई थी। पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन प्रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा ही मैं बनना चाहती थी। जो काम मेरी दीदी करती थी वही मैं करती थी। अगर वह आटा गूंथ देती तो मैं भी जिद करती थी कि मुझे भी आटा गूंथना है। वो खाना बनाती और पापा उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे, तो मैं भी हर हाल में खाना पकाती ताकि पापा मेरे बने हुए खाने की भी तारीफ करे, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर प्रिया दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं, तो प्रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी। वो तो बहुत समझदार थी, लेकिन वक्त से वक्त ने साबित कर दिया था। ये सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों में शामिल होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे थे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि इसको हम अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन बेफिजूल में वो हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने भी सोच लिया था, अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बेवजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहां कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक वहां पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें तो चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने आसपास बिठाकर उनसे उनके दिल की बात पूछना चाहिए था। उनसे दिल की बात मालूम करके की कोशिश करनी चाहिए थी। उनके सिर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते, बेटी तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है, तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर में किसी से भी या किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था, और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता जो पक्का हो गया था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने प्रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है और वे बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते घर के हैं, अमीर घर है, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी कि हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों सवालिया भरी नजरों से देख रहे थे कि यह ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, देखिए जी, यह कैसे हो सकता है। लेकिन दीदी तो बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई और हमसे कहने लगी, रिया अच्छे से तैयार हो जाना, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली, मम्मी मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई।
उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है तो मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगे। दीदी ने नामे सिर हिला दिया और बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ मैं, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबो गरीब विचारों ने घेर लिया है। ऐसा लगता है ये शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी बल्कि मेरे मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, प्रिया, ऐसी बातें करने से पहले यह नहीं सोचा कि मेरे माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। तभी वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो बीमार है और हॉस्पिटल में है और कोमा में है, इसलिए लड़की की दादी और बहन आई हैं। मम्मी ने मुझे कहा, मानवी जाओ और दीदी को अपने साथ ले आओ। लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वो लड़की भी बहुत अच्छी लग रही थी जो उन्हें देखने आई थी। उसने तो अभी से दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी के हाथ पर पैसे रख गई थी। सच कहूँ तो प्रिया, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ प्रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे मारे शर्म के लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियां बहुत जल्दी गम में बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वो अपनी हर चीज से जुड़े जो उन्हें चाहिए थी, जैसी चीजें थी उन्हें बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही तय किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में ये भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो एक हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने तो मुझे मना किया था कि मानवी, लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती है, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई थी और बहुत जो दीदी के लिए गाने गाए थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। बल्कि अपनी फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी हम गवाया करते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर शर्मो हया नहीं आ जाती तो खुद दीदी भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। उन्होंने अपनी अपनी पसंद का लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम भी था। सोचा जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी। अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वो कहाँ चली गई? मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में भी गई, वो भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी मम्मी को ढूंढने लगी। मेरी मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर एक कोने में ले गई और बोली, मम्मी, प्रिया दीदी अपने कमरे में नहीं है। तो मेरी मम्मी ने कहा, अरे वो यहीं कहीं होगी, और मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे अभी सब मेहमानों की से मिलने दो। और वे इस अंदाज में बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैं मम्मी का हाथ पकड़कर झंझोड़ कर बोली, मैं बोल रही हूँ मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी फिर चौंक गई और बोली, तुम्हारी घबराहट मैं दूर करूं? और मम्मी मेरे साथ आ गई। मेरा हाथ पकड़कर मम्मी हमें दीदी के कमरे में ले गई और एक कमरे से दूसरे कमरे में
और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में हम दीदी को ढूंढते रहे मगर वह नहीं मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। तब जयमाला का टाइम हुआ था और जयमाला के लिए शोर होने लगा था तो पापा कमरे में आए। उनकी आंखें भी लाल सुर्ख हो रही थी। शायद उनके अपनी बेटी की विदाई का गम उन्हें साल रहा था। इतने में ही उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई है। उन्हें तो ये भी पता नहीं था, वह तो अपनी बेटी की विदाई का उन्हें गम हो रहा था। तभी मम्मी ने कहा कि देखो प्रिया बिटिया कहाँ है। पापा कहने लगे जल्दी करो प्रिया बिटिया को ले चलो, जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए पापा से बोली देखिए जी प्रिया नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरानी से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले क्या मतलब है प्रिया नहीं मिल रही है, यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना छान मारा है जी। ये सुनकर तो पापा दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कमली अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, अब कोई मुझे इस रुसवाई से कौन बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, चारों तरफ मेरी रुसवाई होगी। तुम ही बताओ कमली मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर मम्मी बोली देखिए जी आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए, मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं। बाबा बोले कि कमली तुम्हें इतना तुम्हारे अंदर हौसला है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले काश कमली तुमने लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर फिर कह दिया था कि देखिए जी मेरे पति को दिल का दौरा पड़ गया है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें बनने लगी थी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके हुए बैठे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया दीदी के हाथों ऐसी बुराई हमें सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली थी देखिए जी इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चों तुम्हारी मदद करेंगे। पापा बोले तुम तो बात ही मत करो कमली, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा दहेज का सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया था और उसका ताला लगा दिया था और बोल दिया था कि कोई भी इधर नहीं जाएगा और अगर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर दफा हम एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सबसे छुप छुप कर रोते थे। जब वो नीचे आते थे तो बहुत थके थके लगते थे, आंखें सुर्ख लाल होती थी। मम्मी कहती थी तुम्हारे पापा हम सबसे छुप कर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यही लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया। मगर एक महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फिर फोन आ गया था। तो जो लड़का था उसका नाम अर्जुन था। उसकी दादी मम्मी से कहने लगी थी देखिए इतना महीने हमने आपसे कोई बात नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे, बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया था, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचो तो आपकी भी इसमें कोई मजबूरी रही होगी। ये भी हो सकता है आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया हो और विवाह के लिए मना कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पति की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझो तो आप अपने पति से यह राय मशवरा कर लो, हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दो क्योंकि हमने बहुत से घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसे वो बात उनमें नहीं थी, हमें हर जगह मिलावट ही मिली।
अगर आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मेरी मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं अपने पति से राय मशवरा करके आपको बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया था और मुझसे बोली, मानवी तुम कहो तो ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचका दिए और कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे तो नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी और बोली, बेटी हमारे नसीब है, ऐसे ही किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं सोचती हूँ गलती कोई करता है और सजा दूसरे को मिलती है, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए। मगर मैं क्या करूँ बेटी, मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी, मुझे भी उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, सब भगवान अच्छा करेगा। और मैं उठकर अपने कमरे में चली गई क्योंकि पापा के घर वापस आने का समय हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर में आ गए थे। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वो दबे कदमों से किचन में चले गए थे। मुझे उनके इस तरह के अंदाज पर बड़ी हैरानी हुई। फिर थोड़ी देर बाद वे वापस आए और उसके बाद किचन से वापस आए तो उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया। उन्होंने फिर इधर उधर देखा, जैसे वो काम बड़ी समझदारी और सावधानी से कर रहे थे। वो किचन में गए और किचन में से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का सी खिड़की में बैठी रह गई, उन्हें देख रही थी। ये सब अभी मेरी नजरों आगे हुआ था। ये सब क्या था? ये तो बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तब मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी और उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि मम्मी तो सो रही है। खैर, पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फोन आया था जिनकी बारात को हमने वापस कर दिया था। वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वे कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते थे तो आप हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। मेरे पापा खाना खाते हुए उसी वक्त उठ गए और खाने की थाली को फेंक दिया और गुस्से में दहाड़ मारकर बोले, उनसे कहना कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने खराब दिन नहीं है जो तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहां मैं ये सुनकर चौंक गई, वहीं मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, जी आपकी इस बात के क्या मतलब है जो आप ऐसा बोल रहे हैं? मेरे पापा बोले, क्या क्या कुछ नहीं। मम्मी बोली, बताइए ना, क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने नामे सिर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद अगर उनका फोन भी आए तो मत उठाना। तब मेरी मम्मी बड़े गुस्से में बोली, अजी आपको तो अपनी अकल पर बड़ा गुमान था, आप तो बड़े समझदार थे। आप तो कहते थे औरतें कम अकल की होती हैं, फिर आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? आप कैसे मेरी प्रिया का रिश्ता ऐसे लोगों में दे रहे थे जो बुरे थे? पापा ने इधर उधर दरवाजे को धक्का मारा और घर से बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अगर मेरी मानते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन्होंने आज तक मेरी नहीं मानी और मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती थी।
जब मम्मी तो हर वक्त तुम प्रिया दीदी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वो रात देर घर से लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वो भी घर के माहौल से भागना चाहता था। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते हुए देखा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। मैं हर वक्त इसी बात से परेशान रहने लगी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन प्रिया दीदी को याद करके रोने लगी थी और क्योंकि प्रिया दीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वो इतना गलत कदम नहीं उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई। पापा के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे आज वे बहुत मजबूर हों। मुझे भी आज उन पर तरस आने लगा था। लेकिन पापा फिर से छत पर जाने लगे थे और वह कमरा जो पापा ने दीदी के दहेज से भर रखा था वह भी खुला हुआ था और उसमें से भी रोशनी आ रही थी। मैं भी पापा के पीछे पीछे चुपके चुपके उनके पीछे आ गई थी। देखना चाहती थी आखिर माजरा क्या है और दरवाजा खुला था तो इसलिए मैं ये देखकर अंदर का मंजर देखने लगी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं ये देखकर थर थर कांपने लगी थी। पापा दीदी को निवाला बनाकर उसके मुंह में डाल रहे थे क्योंकि वे उसे खाना खिलाना चाहते थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। और यह सब क्या हो रहा था मेरी समझ से बाहर था और मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। फिर बड़ी देर के बाद पापा ने बोला, देखो प्रिया, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। और दीदी एकदम से पापा पर चिल्ला पड़ी और कहने लगी, इसीलिए आप ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप ये घिनौनी हरकत मानवी के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये तुम ये जानती हो कि ये सब मैं कभी भी मानवी के साथ नहीं कर सकता था। तो प्रिया दीदी रोने लगी थी। वो बोले, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो पापा बोले, सुनो, आज मेरे पास बहुत वक्त है। मैं तुम्हें, वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो, मगर यह मानवी है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर छत पर नहीं रह पाता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के इस पहर में सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। प्रिया दीदी से वो कहने लगे, सुनो प्रिया, हम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन जो मुझसे पूरे 7 बरस बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी पहले हो गई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय किया गया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए परी कारवालहो जो मेरे माता पिता थे, उन्होंने मेरे लिए कमली को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया था। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी क्योंकि जो मेरी दीदी थी वह विधवा होकर घर आ गई थी और दीदी अकेली नहीं थी बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना अपनी फिकर थी और ना ही अपनी बच्ची की। वह तो किस सोच में रहती थी। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमली ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि वो भूल ही गई कि तुम उसकी बेटी नहीं भांजी हो। तुम जब बोलने लगी तो तुम कमली को मम्मी ही कहती थी, मामी नहीं कहती थी, और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालात कुछ संभले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता हम ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया था और मेरी शादी उस लड़के से करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के के बारे में खोजबीन करके मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा है। जब मैंने पता किया तो वो लड़का फ्रॉड निकला था, मगर जब मैंने यह बात घर वालों को बताई तो ये बात तुम्हारी मम्मी नहीं मानी और वो उस लड़के के साथ भाग गई थी।
मुझे इस बात का ख्याल आता कि तुम कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगे, नहीं तो मेरा जीना तो हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी, जब हमने रिश्ता तय किया था, उसकी दादी और बहन तो मौजूद थी और मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो वो औरत कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी। यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि तुम छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था सुबह तक कमली को सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा, और अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने इसलिए रखा कि मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें कैद कर रखा है, मैंने जो मानवी को भी मैंने इस बात के लिए नहीं छोड़ा, उस पर भी मैंने बहुत सख्ती दिखाई है। प्रिया दीदी जैसे एकदम से होश में आई, वो बोली, अगर मैं घर से भाग जाती भी तो आपकी इज्जत तो खाक में मिल जाती। मगर आपने तो मुझे यहाँ बंद करके अपनी इज्जत को खाक में खुद ही मिला लिया। वे लोग तो बातें बनाते ही होंगे। प्रिया दीदी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले थे, प्रिया बेटी मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म पापा अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उनकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सजा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सजा देते हैं, आप उसको सजा खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? कौन होते हैं आप उसे सजा देने वाले? आपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बात सुनकर एकदम बौखला गए थे, इसलिए जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस समय बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकले और रात को ही घर में वापस आए थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा को अपनी अदालत में खड़ा कर लिया था। मम्मी जज थी। पापा रो रोकर सब सबसे माफी मांग रहे थे। दीदी ने पापा को माफ करने में सबसे पहले पहल की थी। फिर हम सबने जोर दिया दीदी ने कि चलो पापा को माफ कर दें। सब कुछ ठीक हो गया, सबने पापा को माफ कर दिया था। पापा ने दीदी को इजाजत दे दी थी कि वो अपनी माँ से मिलने लगी थी, और वो बहुत जल्दी ही उनकी एक अच्छी जगह फिर पापा शादी तय कर दी थी। अब दीदी की शादी होने वाली है और हमें उम्मीद थी कि मुश्किल वक्त कट गया, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें, घर छोड़कर बिल्कुल न भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप अपने से जरूर बताएं, क्योंकि भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपके माँ बाप भी आपकी बात को समझेंगे और सहमत होंगे, तो माँ बाप औलाद का हमेशा भला चाहते हैं। वे कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।